ये 2022-23 के बजट के हाइलाइट्स तो मैं आपको बताऊं, इस बार जो बजट प्लान आउट हुआ है दैट इज ऑफ 39.4 लाख करोड़, और ये पिछले साल के मुकाबले ऑफ कोर्स ज्यादा होगा, हर साल इंक्रीमेंट होता है। तो पिछले साल का आप देखोगे तो दैट वाज 37.7 लाख करोड़, व्हिच हैज बीन इंक्रीज टू 39.4 लाख करोड़। एंड व्हाट, हमारे देश का जो ग्रोथ रेट है दैट इज सपोज टू बी द हाईएस्ट। वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है और सबने बोला है, अभी हमारे देश की जो इकोनॉमी है ना वो है $3.1 trillion economy, जिसको हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन बोलते हैं कि बाय द ईयर 2026 हम उसको 5 trillion इकोनॉमी बना देंगे। अब वर्ल्ड बैंक बता क्या बोलता है, आगामी 25 इयर्स में हम $10 trillion इकोनॉमी बन जाएंगे। बेटा देखो, अलग अलग काल आते हैं, कभी कलयुग आता है तो कभी सत्ययुग आता है, कभी त्रेता युग आता है, तो बोलते हैं कि पूरा एक सर्कुलर पैटर्न में चलता है। आप बोल रहे कि धीरे धीरे कलयुग समाप्ति के दौर पर है, बहुत समय से कलयुग चल रहा है, वो समाप्ति के दौर पर, उसके बाद में वापस से एक अच्छा युग आ जाएगा, सत्ययुग आ जाएगा। तो इन्होंने भी इसी पैटर्न में इन्होंने एक नाम दिया, उसने बोला अमृत काल। क्या बोला है, अमृत काल। अभी हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस था, बोले कि 100 साल तक जब अपन हो जाएंगे मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया, तो ये 25 वर्ष की जो समय अवधि है उसको अपन ने बोला है अमृत काल। और बोले अमृत काल में हम बहुत ज्यादा ग्रोथ के ऊपर एम्फेसाइज करेंगे, और इनफैक्ट हम 4 pillars बना के रखेंगे। और वो कौन से 4 pillars होंगे, हम किसके दिशा में मेहनत करेंगे, एक हम प्रोडक्टिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्टिविटी क्लाइमेट। बेटा क्लाइमेट इज समथिंग, इट्स अ मस्ट। वो है ना ओजोन का लेयर, बहुत ज्यादा पोल्यूशन करते हैं, आप सबको मालूम है दिल्ली इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, है ना, देश के सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड शहर है उसमें 3-4 तो भारत के शहरों के नाम आ जाते हैं। उसके कारण एक परत है ना ओजोन लेयर, वो हटती चली जा रही है। तो एक प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने का हम प्लान कर रहे हैं, क्लाइमेट कंट्रोल, फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट, नए नए इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, जैसे कि आप मालूम है स्टार्टअप का डे अपने अनाउंस किया था कि 16th of January, और स्टार्टअप्स के लिए जो टैक्स कंसेशन होता था ना वो 1 साल के लिए और ज्यादा उन्होंने एक्सटेंशन कर दिया है, और नए नए इन्वेस्टमेंट्स वगैरह वो और प्लान आउट कर रहे हैं जिससे कि देश का और तेजी से ग्रोथ हो पाए। और एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है पीएम गति शक्ति प्लान। तो देखो 4 priorities है, 4 priorities। देखो एक क्या है, गति शक्ति, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है, क्योंकि इंफ्रा जितना बेहतर होता चला जाएगा उतना ज्यादा तेजी से ग्रोथ होता जाएगा। फिर एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मतलब हर क्षेत्र को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, हर एज ग्रुप को भी हम आगे बढ़ाएंगे। फिर हम प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, सब जगह सोलर पावर प्लांट्स वगैरह लगाना, एंड फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। इफ यू स्पीक ऑफ एजुकेशन, बेटा अभी कोविड के कारण एजुकेशन का स्तर तो थोड़ा सा गिर गया है ना, ऑल ऑफ यू अग्री। देखो आप लोग तो बहुत फोकस बच्चे हो, सीए के स्टूडेंट्स हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं ना बेचार अंडर प्रिविलेज्ड, उनके पास में तो मोबाइल ही नहीं है ना, उनके पास में मोबाइल नहीं है, तो हाउ विद द स्टडी। तो गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग अबाउट इट। तो गवर्नमेंट सबको मोबाइल्स तो नहीं दे सकती, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, टीवी चैनल्स के माध्यम से उसको स्टार्ट करें। टीवी तो सबके घर पे रहता है, रेडियो तो सबके घर पे रहता है, तो उसके माध्यम से पढ़ाना स्टार्ट कर रही है। और बोले रीजनल लैंग्वेजेस में भी पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वर्चुअल टीचिंग प्लेटफॉर्म्स वो क्रिएट कर रहे हैं, अच्छे वाले टीचर्स को रोपन कर रहे हैं, और 200 चैनल्स के माध्यम से इनको पढ़ाया जाएगा वर्चुअल। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, चैनल्स बना रहे, 1 class 1 TV, class 1 से लेके class 12th, है ना, पूरे class 1 से 12th तक ये पूरा वर्चुअल टीचिंग रहेगा। अब बेस्ट ऑफ द टीचर्स रहेंगे, 200 TV चैनल्स, पहले 12 ही चैनल्स थे हमारे देश में, अब इसको 200 चैनल पे वो एक्सटेंड कर रहे हैं। अब देखो स्किल डेवलपमेंट, अभी 2-3 दिन पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे थे ना कि केवल बीकॉम कर लिया तो जॉब्स ही नहीं मिल रही है, 4.2 करोड़ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन इंडिया, तो आपको आगे जाके मिलेगा, हाँ इसी में मिल रहा है, देखो 60 lakhs न्यू जॉब्स क्रिएट कर रही है हमारी गवर्नमेंट, और मेक इन इंडिया स्कीम के तहत, दैट इज क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, और केवल जॉब्स ही क्रिएट नहीं कर रही है, आपका स्किल भी पॉलिश कर रही है। अब बात करते हैं हेल्थ, तो देखो एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च कर रही है हमारी गवर्नमेंट,
1,04,278 करोड़, ठीक है, इतना खर्च करिए। और अगर आप हेल्थ के बारे में बात करोगे तो हेल्थ के ऊपर खर्च करिए 86,200 करोड़। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम, डिजिटल कनेक्टिविटी है ना, डॉक्टर से आप ऑनलाइन पूछ सकते हो, कंसल्टेंसी ले सकते हो। और इसमें डिप्रेशन के भी बहुत शिकार बने हैं लोग, है ना, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए, और बच्चे भी और बड़े भी, बच्चे भी और बड़े भी। तो बहुत सारे लोग तो इस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव इसके लिए स्टार्ट किया, देखो, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, मेंटल हेल्थ के लिए प्रोग्राम, इट विल बी लॉन्च फॉर क्वालिटी काउंसलिंग। तो नारी शक्ति के लिए मिशन शक्ति प्रोग्राम, मिशन वात्सल्य, और बच्चों के लिए सक्षम आंगनवाड़ी, आंगनवाड़ी में बहुत ज्यादा बजट अलोकेट किया है, पोषण 2.0, इस प्रकार के प्रोग्राम स्टार्ट किए फॉर फीमेल्स एंड चिल्ड्रन। हमारे देश में बहुत ज्यादा माल न्यूट्रिशन है, मालूम है ना, कुपोषण है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कुपोषण हमारे देश में। और बहुत सारे लोग जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में डाला था, तो उसके लिए अच्छी न्यूज है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन नहीं किया। चलो 30% टैक्सेस लगा दिए ऑन द गेन, आप जितना कमाओगे उसके ऊपर, उसके ऊपर 30% टैक्स है, चलो दैट इज अंडरस्टैंडेबल, बैन हो जाता तो सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी में वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट आया है फ्रॉम इंडियंस, और उनका पूरा पैसा डूब जाता। इट्स अ गुड न्यूज फॉर मेनी ऑफ देम कि चलो 30% टैक्स दिया है सारे वर्चुअल असेट्स में। और आरबीआई अपनी स्वयं की डिजिटल करेंसी लेके आ रही है 2022-23, है ना? और हमारे देश में अब नेट की स्पीड बढ़ने वाली है क्योंकि 5G आ रहा है, और 5G के लिए वो लाइसेंस बांट रहे हैं, इसका ऑक्शन हो रहा है। अच्छा, ये देखो, देखने में मजा आएगा, हमारे देश में अर्निंग के क्या क्या सोर्सेस हैं। इनकम टैक्स से हम 15% कमाते हैं, हमारे देश के पास में जो पैसा आता है, जो रेवेन्यू मॉडल है वो। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मतलब प्रोडक्शन से जो टैक्सेस आते हैं, 7% वहां से कमाई होती है। कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन मतलब जो कंपनीज होती है, उसे 15% आता है। जीएसटी से 16% टैक्स वसूला जा रहा है। कस्टम्स ड्यूटी मतलब इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट से जो टैक्सेस आ रहे हैं, दैट इज 5%। नॉन टैक्स रेवेन्यूज, फीस, फाइन्स, है ना, एसजीट, बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज 35%, एंड नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट जैसे डिसइन्वेस्टमेंट। हम खर्चा कहाँ पे करते हैं, तो देखो जितनी कमाई है उसका 4% हम पेंशन में देते हैं, और अपार्ट फ्रॉम दैट सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, कुछ स्कीम्स स्टेट की होती है, कुछ स्कीम्स सेंटर की होती है। तो सेंटर की जो स्कीम्स में, उसमें 15%, जैसे आधार कार्ड सेंट्रल स्कीम है, डिफेंस सेंटर की स्कीम्स आती है, ठीक है। फिर कमीशन एंड अदर, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर्स, जो 10% उसमें जाता है। स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटी कितना आता है, तो 17%। इंटरेस्ट पेमेंट 20%, हाँ ये जाता है। डिफेंस में 8% डाला है। सब्सिडीज जो बांटते हैं, जैसे सोलर एनर्जी में सब्सिडीज जाता है, तो क्या हो जाएगा, 8% सब्सिडी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स और भी है, तो दैट इज 9%, और अदर एक्सपेंडिचर 9%, है ना। इस प्रकार से इसका बंटवारा होता है। और हमारे देश का अगर ग्रोथ रेट देखना चाहते हो, ठीक है, जीडीपी तो सब जानते हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीवी का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। तो आप देखो, फर्स्ट लॉकडाउन में तो बहुत हालत खराब हो गई थी, -25.4% का ग्रोथ रेट हो गया था, देखो डाउनफॉल हुआ था एकदम से, कैसा स्टीप डाउनफॉल हुआ था। लेकिन सेकेंड वेव में उतना असर नहीं हुआ, देखो फिर भी अपना ठीक ठाक सा ग्रोथ रेट रहा। तो ये अपना जीडीपी वाला है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये जो बार चार्ट है वो देखो, तो $634 बिलियन। लेकिन हमारा देश एक डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारे देश में एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, रिसिप्ट कम आता है। तो फिस्कल डेफिसिट देखो 6.4% है, और डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जैसे मैंने बताया 65,000 करोड़ रुपए का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, जिसमें LIC को तो करेंगे ही करेंगे वो। और देखो अर्बन डेवलपमेंट में हमारा जो बजट है उसको इंक्रीज कर दिया है शहरी विकास के लिए 40%, और रूरल डेवलपमेंट में 6% से इंक्रीमेंट किया है ओवर द लास्ट ईयर। होप दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू।